नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। आ गई नई आफत, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट पाया गया, वैक्सीन का असर नहीं होने और ज्यादा तेजी से फैलने की आशंका। बिहार में रिटायर्ड पुलिस वालों को फिर से मिलेगी नौकरी, एक एसपी और 7 डीएसपी समेत 69 लोगों को दी जाएगी बड़ी जिम्मेदारी। मंत्री सुमित सिंह की पहल ला रही है रंग, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्लेसमेंट के लिए आ रही है देश की प्रतिष्ठित कंपनियां। वाहन जांच के दौरान जमकर हुआ हंगामा, पुलिस पर पिटाई का आरोप, आगे जानिए क्या है पूरा मामला। शॉपिंग मॉल वाईफाई की सुविधा, बिहार के मोतिहारी में बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रेलवे स्टेशन। बिहार के स्कूलों में 7 दिन तक बच्चा नहीं आया तो बुलाने जाएंगे मास्टर जी, विभाग का फरमान। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बूथ लूट और हिंसा से निपटने की तैयारी तेज, नक्सल प्रभावित इलाकों पर रहेगी विशेष निगरानी। कोरोना से लड़ते लड़ते थक रही दुनिया के लिए नई आफत सामने आ गई है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट सामने आ गया है। दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों में ये वेरिएंट पाया जा चुका है। इस वेरिएंट को लेकर जो शोध हुआ है वह बेहद चिंताजनक है। आशंका यह है कि इस वेरिएंट पर वैक्सीन भी बेअसर साबित हो सकता है, वहीं दूसरे वेरिएंट के मुकाबले ये दोगुना तेजी से फैलेगा। कोरोना के इस नए वेरिएंट पर दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने शोध किया है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के वैज्ञानिकों ने क्वाजुलू नेटाल रिसर्च प्लेटफॉर्म के साथ मिलकर शोध किया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस साल मई में ही कोरोना के इस नए वेरिएंट का पता चला। वैज्ञानिकों ने इसे C1.2 वेरिएंट का नाम दिया है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में ये वेरिएंट पाया गया है, उसके बाद अगस्त तक इसे स्विट्जरलैंड, चीन, कांगो, पुर्तगाल, इंग्लैंड, मॉरिशस, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी पाया गया है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का C1.2 वेरिएंट बेहद खतरनाक है, इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट श्रेणी में रखा जा सकता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसी कैटेगरी है जिसमें शामिल वायरस गंभीर लक्षण वाले, इम्यूनिटी को चकमा देने वाले और जांच से बचने की क्षमता दिखाते हैं। शोधकर्ताओं ने पाया है कि ये वायरस एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम से खुद को बचा सकता है। बिहार पुलिस में आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी को लेकर एक नई टीम का गठन होने जा रहा है। बड़े आपराधिक मामलों की जांच में सहयोग के लिए बनाए जाने वाली इस टीम में पुलिस मुख्यालय रिटायर्ड पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की भर्ती करेगी। ये टीम आपराधिक मामलों के इन्वेस्टिगेशन और अपराधियों को जल्द सजा दिलाने की निगरानी करेगी। गौरतलब हो कि जून महीने में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में बिहार पुलिस में इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल के गठन को लेकर स्वीकृति दी गई थी। राज्य मुख्यालय स्तर पर एक एसपी, 7 डीएसपी, 13 इंस्पेक्टर, 8 एएसआई और 11 सिपाही के पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई थी। इनके अलावा 21 कंप्यूटर ऑपरेटर और 8 चालक सिपाही के पद भी स्वीकृत करने की भी घोषणा की गई थी। अब इन्वेस्टिगेशन मॉनिटरिंग सेल यानी कि आईएमसी में इन सभी पदों को भरने की कवायद तेज हो गई है। गृह विभाग ने समीक्षा बैठक में इस बाबत निर्देश दिया है। अपर मुख्य सचिव की ओर से दिए गए आदेश में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन सेल के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक और सहायक अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी का पुनर्नियोजन किया जाए। पदाधिकारियों, सहायकों और अन्य कर्मियों की सीधी नियुक्ति या पदस्थापन होने तक रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त पदाधिकारियों और सहायकों के पुनर्नियोजन की विवरणी तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेजने का भी निर्देश दिया गया है। बिहार सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह की पहल अब रंग लाने लगी है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अब देश के प्रतिष्ठित कंपनियां कैंपस प्लेसमेंट के लिए बिहार आ रही है। मंत्री सुमित कुमार सिंह ने बताया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में विकास के जिस एजेंडे के प्रति सभी कृत संकल्पित है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। सुमित सिंह ने आगे कहा है कि सभी क्षेत्रों में जिस तरह के विकास की गति को तीव्र किया गया है उसी तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में भी अब कुछ परिवर्तन होने वाला है। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पहले ही शुल्क कम कर दिए गए हैं, अब उनके प्लेसमेंट के लिए देश के प्रतिष्ठित बड़ी निजी कंपनियां द्वारा आ रही है। देश की प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए पुल कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव में अगस्त 2021 से आरंभ कर दिया गया है। बिहार के भागलपुर जिले में जांच के दौरान पुलिस और वाहन मालिक के बीच हुई बकझक ने हंगामे का रूप ले लिया। वाहन चालक ने मधुसूदनपुर
पुलिस पर बेवजह पिटाई किए जाने और मोबाइल छीनने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि वे मधुसूदनपुर पुलिस की कार्यशैली से परेशान हैं। दरअसल भागलपुर में मधुसूदनपुर टीओपी क्षेत्र के गनौरा बाधरपुर में मिथिला कॉलोनी के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस और वाहन मालिक के बीच किसी बात को लेकर बकझक शुरू हो गई। इसी दौरान वाहन मालिक ने मधुसूदनपुर पुलिस पर बेवजह पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है। घटना के संबंध में पीड़ित ने बताया कि बाइक चलाने के दौरान उनका बेटा बिना हेलमेट का था, तभी वाहन चार्ज कर रहे पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट में रहने के कारण उसे जुर्माना देने की बात कही, जिसके बाद पुलिस को जुर्माना दिया गया, लेकिन पुलिस द्वारा गाली गलौज करने पर पीड़ित ने इसका विरोध किया। इस दौरान दोनों के बीच काफी देर तक बकझक हुई। पीड़ित का कहना है कि विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस कर्मियों ने उनके पुत्र और साथ में मौजूद पुत्री की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों द्वारा पुलिस की इस करतूत का विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान टीओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार के नेतृत्व में कई और पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके बाद आसपास खड़े कई निर्दोष लोगों को भी पुलिस ने बेरहमी से पीटा। इसके बाद भी जब बेरहम पुलिस वालों का मन नहीं भरा तो इन लोगों के बीच बचाव कराने आए पीड़ित बाइक चालक के परिजनों को भी पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित के परिजन और अन्य ग्रामीणों की माने तो पुलिस वालों ने लड़की और महिला तक को नहीं बख्शा। पुलिस की इस करतूत का वीडियो एक बच्चे ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश पुलिस की नज़र वीडियो बना रहे बच्चे पर पड़ गई। फिर क्या था, पुलिस वालों ने अपनी इस घिनौनी हरकत का पर्दा डालने के लिए बच्चे की पिटाई कर उनके हाथ से मोबाइल छीन ली। बिहार के बापूधाम मोतिहारी में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनेगा, इसको लेकर रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। देश के 3 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट करने की स्वीकृति मिली है। इनमें ईसीआर रेलवे से बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है। बोर्ड के स्वीकृति पत्र में पहले नंबर पर बापूधाम मोतिहारी को प्राथमिकता दिया गया है। इसके अलावे दूसरा नाम भुवनेश्वर व तीसरा नाम सोमनाथ रेलवे स्टेशन का है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड दिल्ली के स्टेशन डेवलपमेंट टू डिप्टी डायरेक्टर हरीश चंद्रा ने रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को पत्र लिखा है, जिसकी प्रतिलिपि ईसीआर जनरल मैनेजर को भी भेजा गया है। पत्र में बापूधाम मोतिहारी सहित 3 रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट को लेकर बोर्ड से स्वीकृति दिए जाने की सूचना दी गई है। बिहार के विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने जिम्मेदारी तय कर दी है। 75% उपस्थिति का लक्ष्य हासिल करने के लिए विद्यालय प्रधान के साथ ही विद्यालय के सभी शिक्षक और संकुल संसाधन केंद्र समन्वय को जिम्मेदार बताया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि कोई छात्र 1 सप्ताह तक लगातार स्कूल में अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के प्रधान अध्यापक उसके अभिभावक से संपर्क कर विद्यालय नहीं आने का कारण जानेंगे। इसके लिए अलग से रजिस्टर बनाने को भी कहा गया है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण के मतदान में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। वहीं शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने और बूथ लूट और हिंसा से मतदान को प्रभावित होने से बचाने के लिए भी तैयारी की जा रही है। बिहार पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। पड़ोसी देशों की सीमा में सटे इलाकों में चुनावी सभा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं SSB के साथ बिहार पुलिस ने चौकसी कर दी है। वहीं ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जाएगा जहां बूथ लूटने और हिंसा होने की संभावना अधिक है। इन कारणों से बदनाम इलाकों का नक्शा तैयार किया जाएगा। यहां सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए जाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा कई गाइडलाइंस जारी की जा रही है। ऐसे तो आमतौर पर प्रत्याशियों के खर्च पर नजर रखने की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं रही है, लेकिन इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने ऑब्जर्वरों को यह टास्क सौंप दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव में तैनात किए जाने वाले ऑब्जर्वर प्रत्याशियों के मित्रों एवं संबंधियों के साथ उनके समर्थकों द्वारा किए जा रहे खर्च पर पैनी नजर रखेंगे। ऑब्जर्वरों को अगर लगता है कि किसी प्रत्याशी के दोस्त मित्र या रिश्तेदार चुनाव में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं तो वो इसकी रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। बता दें कि चुनाव के मद्देनजर तैनात किए जाने वाले ऑब्जर्वरों का टास्क आयोग ने निर्धारित कर दिया है। इसके तहत ऑब्जर्वर मतदान दल के कर्मियों की ट्रेनिंग, बैलेट बॉक्स, EVM एवं मतदान सामग्री की व्यवस्था पर नजर रखेंगे। साथ ही मतदान केंद्रों पर की गई व्यवस्था, सशस्त्र बल एवं मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार रोके जाने पर नजर रखेंगे। इसके साथ ही अवैध शराब की बिक्री एवं अन्य संबंधित मामलों की भी समीक्षा कर सकेंगे।
बिहार में वायरल फ्लू के साथ साथ अब आई फ्लू का भी हमला शुरू हो गया है। 3 दिन से लगातार पटना के IGIMS व PMCH के नेत्र रोग विभाग में मरीजों की तेजी से आना शुरू हो गया है। इसमें सबसे अधिक युवा वर्ग के लोग शामिल हैं। वहीं मरीजों की संक्रमण न फैले इसके लिए ऐसे मरीजों के लिए अलग से OPD की व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। IGIMS के नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया है कि इस समय आई फ्लू के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। मरीजों को परिवार के बीच सतर्कता बरतने के भी सुझाव दिए गए हैं। गुरुवार, शुक्रवार व शनिवार को 1.5 दर्जन से ज्यादा मरीज OPD में इलाज को पहुंचे। वहीं नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यह इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस के कारण होता है। यह वायरस बहुत तेजी से आँखों में फैलने लगता है। पटना एयरपोर्ट के रनवे के आसपास पक्षियों का जमावड़ा बढ़ गया है, जिसका परिणाम शुक्रवार को बर्ड हिट के रूप में देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरते या उतरते विमान से पहली बार कोई पक्षी टकराया है। इससे पहले भी बर्ड हिट के मामले हुए हैं और उसके बाद उसको रोकने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन समिति द्वारा कई निर्णय भी लिए गए। इनमें एयरपोर्ट परिसर में खुले में कूड़ा को नहीं रखना और आसपास स्थित मोहल्लों में खुले में मीट मछली बेचने पर रोक लगाना शामिल था, लेकिन अब तक इन पर अमल नहीं हुआ है। लिहाजा आज भी बर्ड हिट जारी है। यह तो सुखद संयोग है कि अब तक ऐसी टक्कर के कारण कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है और बर्ड हिट ग्रस्त विमान को पायलट सुरक्षित उतारने में सफल रहे हैं, अन्यथा कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।